हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दो दिन से मेरी वीडियो नहीं आई है, कारण ये है कि मेरे हाथ में जबक आ गई, बहुत तेज जबक आ गई, और एक दिन तो मैं उठ ही नहीं पाई बिल्कुल भी, तो कोई भी काम नहीं कर पाई और वीडियो भी नहीं बना पाई। जो पहले की वीडियो थी बनाई हुई, वो आपके यूट्यूब पर मैंने डाली थी। तो मेरे क्या है कि मेल आ जाता है, फेसबुक का भी मेल आ जाता है, तो यूट्यूब का भी मेल आ जाता है कि आपकी फ्रेंड्स आपको याद कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो कुछ बना रही हूँ, थोड़ा हाथ ठीक हुआ तो फिर खाना बनाया, नहीं तो एक दिन बेटे और बेटी ने संभाला मुझे और काम को भी संभाला, लेकिन आज थोड़ा ठीक है तो आज मैंने अपने घर को भी संभाला। और एक दिन में यदि हम लोग बीमार हो जाते हैं घर की गृहिणी, तो फिर सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आज घर को संभाला, और जो खाना वाना बनाते हैं हम, वो तो मतलब बनाना ही पड़ता है। तो आज की थाली में मैं बना रही हूँ भिंडी की सूखी सब्जी और शिमला मिर्च की भी सूखी ही सब्जी बना रही हूँ। सूखी सब्जियाँ मेरे घर में पसंद करते हैं। और आम रस, आम बिल्कुल जा रहे हैं, अभी बरसात हो गई है, और बरसात से कहते हैं कि बरसात पड़ते ही आम में लटे पड़ जाती हैं, लेकिन जो अभी आम बिक रहे हैं वो अभी ठीक है। तो उसके साथ मैं सब्जियों के साथ बनाऊंगी आमरस। आमरस हमारे राजस्थान में ज़रूरी होता है। जो राजस्थान के लोग मुझे देखते हैं उन्हें तो मालूम है कि दोनों टाइम आमरस बनता है राजस्थान में, लेकिन जो बाहर के लोग मुझे देखते हैं तो उनके लिए बता रही हूँ कि आमरस राजस्थान में ज़रूर बनता है। सूखी सब्जी हो चाहे तरी वाली सब्जी हो, सबके साथ आमरस बनता है। तो आज की थाली में मैंने दो सब्जियां बनाई हैं। अचार आपने देखा है मेरी वीडियो में, तो अचार है, दो सब्जियां हैं और आम रस है, रोटी है। तो चलते हैं बनाते हैं दो सब्जियां। मैंने भिंडी को धो ली है और कट कर ली है। भिंडी को पहले धोना पड़ता है क्योंकि वो लिसलिसी हो जाती है। तेल चढ़ा रही हूँ मैं कढ़ाई में, और भिंडी में मैं बेसन डाल लूँगी और उसी में सारे मसाले डाल के इसको छौंक दूँगी। बिल्कुल सरल सी रेसिपी है, बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं करना है। मसाले इसी में डाल दिए हैं मैंने, बेसन से बिल्कुल कुरकुरी हो जाती है, इसका लिसलिसापन हट जाता है। यदि नींबू भी हम डाल देते हैं, नींबू का रस, तो भी ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल भी इसमें लार नहीं रहती है। तो भिंडी जब भी प्लेन भिंडी बनाएं तब भी नींबू का रस डालें, और यदि बेसन वाली बनाते हैं तो भी नींबू का रस डालें। तो बन गई हमारी सब्जी। तो भिंडी की सब्जी बन चुकी। भिंडी लिसलिसी होती है, इस वजह से मैं उसमें नींबू का रस डालती हूँ और बेसन भी इसलिए डालती हूँ कि लिसलिसी बनती है, इसलिए बच्चे खाते नहीं हैं। तो भिंडी की सब्जी में भी बेसन डालती हूँ और नींबू का रस डालती हूँ। इसी तरह अब मैं शिमला मिर्च बनाऊँगी, और शिमला मिर्च में भी मैं बेसन डालती हूँ। तो दोनों ही सब्जी की रेसिपी लगभग एक सी है। तो दोनों ही सब्जी सूखी है, उसके साथ आम रस है और रोटी है। तो अब मैं शिमला मिर्च की आपको रेसिपी बता रही हूँ। जो बाहर के लोग हैं उन्हें काफ़ी पसंद आती हैं, और मैं बिल्कुल सिंपल सी बनाती हूँ। जैन खाना बनता है मेरे यहाँ, बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। मैं कोई प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ, फिर भी सब्जियाँ स्वादिष्ट बनती हैं। तो जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो लोग मेरी सब्जियों को पसंद करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ तो काफ़ी लोग उसे पसंद करते हैं। तो आप भी देखिएगा शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं सब्जियाँ मतलब डालती हूँ, इस शॉर्ट वीडियो में भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो अब शिमला मिर्च बनाती हूँ, और उसके बाद मेरा बेटा आ जाएगा तो फिर मैं खाना लगाऊँगी उसका, जब आप देखना थाली में क्या क्या चीज़ें हैं। शिमला मिर्च को भी मैंने कट कर लिया है धो के, और वैसे ही इसकी सब्जी बना रही हूँ जैसे मैंने अभी भिंडी की बनाई थी। तो इसमें थोड़ा सा बाद में डालूँगी बेसन, थोड़ी सी गल जाएंगी, बस तेल में डालते ही गलने लगती हैं। मसाले, बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं, जो मसाले हम लोग सब्जियों में डालते हैं। आप चाहें तो प्याज लहसुन डाल सकते हैं, और ये सब मसाले मैंने डाल दिए हैं, और नींबू का रस डाल दिया है, और थोड़ा सा बाद में मैं इसमें बेसन डाल दूँगी, ये बीज हटा दूँगी इसमें से। तो बस ज़रा सा इसमें बेसन डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा बेसन डाला है, जिससे ये बेसन में लपट जाएंगी और फिर खाने में स्वाद इसका बहुत अच्छा लगता है।
तो आम अभी बिल्कुल केसरिया कलर के आ रहे हैं और मैंने आम रस बना लिया है। अभी दो लोगों के लिए ही बनाया है मैंने, मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। अथक आएगा मेरा दोता तब उसके लिए भी बनाऊंगी। तो थाली मतलब मैं लगा रही हूँ और बर्फ़ डाल दिए मैंने, आइस डाल दिए, इसमें क्यूब डाल दिया है, अचार ले लिया है और सब्जियाँ दोनों ले ली हैं और रोटी ले ली है। तो आज का खाना मैंने इतना ही बनाया है। खाना बन गया, थाली लगा दी मैंने अपने बेटे की। और आपको कैसी लगी आज की थाली, कैसी लगी? बाकी सिंपल सी है क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है, इसलिए मैंने हल्का फुल्का खाना बनाया है। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है यूट्यूब पर कि मैं एक तो आलू की कचौड़ी बनाऊं, तो ज़रूर बनाऊंगी, आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। और श्वेता डागा जी की तो शायद एक साल से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं मिनी कचौड़ी बना के बताऊँ, क्योंकि वो बीकानेर की हैं और वो बीकानेर की कई चीज़ों की रेसिपी मुझसे मांगती हैं। तो आप दोनों की रिक्वेस्ट पूरी होगी, थोड़ा सा मेरा हाथ सही हो जाए तो मैं ज़रूर आपको आलू की कचौड़ी और मिनी कचौड़ी बनानी बताऊंगी, उसकी रेसिपी बताऊंगी। और आलू की कचौड़ी तो अभी थोड़े दिन पहले ही बहू आई थी तो वो उसने बनाई थी, बहुत अच्छी बनाती है वो भी, लेकिन हाँ वीडियो नहीं ली मैंने। तो आलू की कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है, गरम गरम खाएं तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपको आलू की कचौड़ी की रेसिपी भी दूंगी और मिनी कचौड़ी की रेसिपी भी दूंगी। मिनी कचौड़ियाँ हम कहीं भी सफ़र में भी ले जा सकते हैं, काफ़ी दिनों के लिए बना के भी रख सकते हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।